रोहित रमला का एक संस्थानिक हत्या हुआ था। एबीपी के लोग अप्पा राव और वहां के जो वाइस वो जो समय के लेबर मिनिस्टर हैं बंदारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी, इन सारे लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइज हत्या की थी रोहित रमला की। ब्राह्मणवाद, मनुवाद और संघवाद जो इस सरकार की नस नस में भरा है, कूट कूट के इसके अंदर भरा है, उसके तहत रोहित रमला की संस्थानिक हत्या की गई। और इस चीज को भी जान लेना चाहिए कि वो हत्या क्यों की गई। जो लोग बार बार चाहते हैं कि इस देश में तमाम लोग, तमाम लड़ाके लोग जिनकी फौज तैयार हो रही है, जो अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जो एक साथ आने के लिए तैयार है, इसलिए रोहित वेमला की हत्या की गई। क्योंकि रोहित वेमला याकूब मेमन को मिले जो कैपिटल पनिशमेंट था उसके खिलाफ बोलता था, वो अगर नकुल सहनी की आप मुजफ्फर अगर बाकी है नहीं दिखाने देंगे, एबीपी के लोग अगर नहीं दिखाने देंगे तो उसके खिलाफ बोलता था और दलितों के अधिकारों के लिए बोलता था। बोलता था कि इस देश से क्लास जो क्लास रिलेशन है वो खत्म होने चाहिए, कैपिटलिस्ट लोग जो है उनका शासन खत्म होना चाहिए, उनका रोल खत्म होना चाहिए। एक ऐसे एका को ये सरकार, ये संघ के लोग, एबीपी के लोग नहीं सह पाए थे। और आज भी आप जब देखिए, जब आप रोहित वेमला के लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरे हैं तो वही ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल लोग तैयार हैं आपको रोकने के लिए। वही ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल लोग आप पे लाठी बरसाते हैं, आपको एक छोटा सा मार्क नहीं सहा जाता है। MHRD पे जाके अगर आपने हाथ नारा लगा दिया कि फांसीवाद पे हल्ला बोला रोहित वेमला, तो उनकी नाक में दम होने लगता है। इसीलिए आपको इतना बेदर्दी से मारते हैं लोग, इसीलिए आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। आप सोचिए जरा, 3 महीने से ज़्यादा होने को आया है, नजीब गायब है, कभी इतना CRPF, कभी इतना RPF, कभी कोई इतना बड़ा प्रोटेक्शन फोर्स लगा के उसको ढूंढने की कोशिश की, तब पुलिस को बताना, तब कोर्ट को बताना, पुलिस भाई ये करिए, ए भाई बैठो ना, आपको ढूंढने का, बैठ जाइए ना, यहाँ पे जरा इनका चौकसी देखिए कि आप इतना नहीं, आपकी बस को अगवा करने का कोशिश किया गया दो बार, आज बस को अगवा करने का कोशिश किया गया। जब आप उतर के गए तो आपके लिए बैरिकेड सजा हुआ था पहले ही, आपने उनके बैरिकेड को धता बताते हुए दूसरी तरफ से मार्च किया, लेकिन उनको गवारा नहीं है। आप जिन रास्तों पे जाके इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं वो आपको लाठी बसाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात यहाँ पे जान लेना होगा कि पिछले साल जब रोहित वेमला की संस्थानिक हत्या हुई तो इन लोगों ने सोचा था कि सब कुछ नॉर्मल करके आगे चला देंगे, और अभी भी उसकी पूरी बखूबी कोशिश कर रहे हैं। अप्पा राव को श्रेष्ठ वैज्ञानिक होने का पुरस्कार दिया गया, और इस सरकार के अंडर में श्रेष्ठ वैज्ञानिक आज वही है जो अच्छे से दलितों का मर्डर कर दे, जो अच्छे से मुसलमानों की हत्या कर दे। आपने देखा कल मोहसिन शेख का जजमेंट आया है, वो नौजवान जब मोदी सरकार आया था उसके अगले दिन पुणे में उसकी हत्या कर दी गई थी। उस जजमेंट में ये लोग क्या कहते हैं, एक तरफ तो देश की कोर्ट कहती है कि रिलीजन के नाम पर वोट मत मांगो, दूसरी तरफ जजमेंट कहता है कि भाई क्योंकि वो दूसरे धर्म का था इसीलिए लोगों ने उसको उकसा दिया। अब जरा सोचने की बात है, एक तरफ वही कोर्ट कहता है कि आप धर्म के नाम पे वोट मत मांगो, दूसरी तरफ कहता है कि अगर आपको कोई धर्म दूसरा है, अगर आप मुसलमान हैं इस देश में तो आपको हिंदुओं को उकसाया जा सकता है और हत्या तक हो जाती है, इसकी कोई सजा नहीं मिलने वाली। ठीक यही केस आप रोहित वेमला के मामले में देख रहे हैं। लेकिन अगर आज हम लोगों का कोई सबसे बड़ा ताकत, आज हम तमाम लोग जिस चीज से ताकत महसूस कर पाते हैं, जब पुलिस की आप लाठियां खाते हैं, जब पुलिस लात घूसा मार के आपको माँ बहन की गाली देती है, तो वो ताकत होती है हमारी एका, जो देश के तमाम नौजवान ने रोहित वेमला की संस्थानिक हत्या होने के बाद इस देश में करके दिखाया है। बोला है कि फांसीवाद की ताबूत में आखिरी कील होगा रोहित वेमला, रोहित वेमला का नारे फांसीवाद की ताबूत में आखिरी कील होंगे, और इसलिए उस दिन के बाद से आज तक रोहित वेमला फांसीवाद के ऊपर कहर बन के न पड़ा है। आज तक रोहित वेमला की हर एक आवाज को जानता है फांसीवाद डरता है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक नारा लगा था कि एक इंस्पेक्टर है जो हॉन्ट कर रहा है ब्राह्मणवाद को, वो इंस्पेक्टर है रोहित वेमला का इंस्पेक्टर। तो हम लोग इस चीज को बार बार असर्ट करते होंगे, 17 जनवरी कोई हमारे लिए रिचुअल नहीं होगा। हम लोग जब जब 17 जनवरी और आने वाले दिनों में आएंगे, इस चीज को बोलेंगे कि आने वाली मूवमेंट की कवायद है, ये आने वाली मूवमेंट का ऐलान है कि और ज्यादा इंटेंसिफाइड तरीके से, और ज्यादा तगड़ तरीके से आएंगे रोहित वेमला, नजीब अहमद, मोहसिन शेख और ऐसी तमाम लड़ाइयों को एक करते हुए लड़ेंगे। और इसी के साथ आप सारे लोगों से अपील है कि ये सरकार एक तरफ तो रोहित वेमलाओं को मार रही है, एक तरफ तो नजीब अहमदों को गायब करा रही है कैंपस से, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे कानून ला रही है। आपने देखा अभी एक UGC का कानून आया है
जो अगर सही सही लागू हो गया हमारी यूनिवर्सिटीज में तो मार्जिनलाइज तबके की कोई जगह नहीं रहेगी यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि वो एक तरफ कहता है कि इंटरव्यू के नंबर 100% होने चाहिए, दूसरी तरफ सीट में भारी कटौती कर देता है। आप सारे लोग जानते हैं कि जब ओबीसी एक्सपेंशन हुआ तो उस समय सीटें बढ़ाई गई, क्योंकि बोला गया जिस तादाद में रिजर्वेशन बढ़ रहा है उस तादाद में सीटें भी बढ़नी चाहिए, लेकिन इस सरकार को ये गवारा नहीं है, इस सवार को ये नागवार गुजरा है, इसीलिए अभी एक ऐसी व्यवस्था ला रही है। एक तरफ पनिश करती रहेगी, आपने देखा जेएनयू के किस तरह 9 साथियों को सस्पेंड किया गया, 20 साथियों पर इंक्वायरी चल रही है, जगह जगह साथियों को इग्नू में नोटिस देके निकाला जा रहा है, दलित साथियों को उनको केवल प्रोटेस्ट करने के लिए अपना खाने के अधिकार के लिए वहां से निकाला जा रहा है और ऐसी कवायदें जारी हैं। दूसरी तरफ आगे वो लोग ना पाए इसकी भी कवायदें जारी हैं। आप सारे लोगों से अपील है कि आने वाले दिनों में इन सारे मूवमेंट को हमको और इंटेंसिफाई करना होगा और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इस एका को बनाए रखना होगा। आज की सभा को बढ़ाते हुए मैं साथी अमर को बुलाना चाहता हूँ, आए साथी सतूपा आए अपनी बात रखें और हम लोग आगे और भी स्पीकर को बुलाएंगे। आप लोग यहाँ पर बने रहिए, आगे देखते हैं इनसे बात करते हैं कि क्या इन लोगों का मकसद है, कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह से रिचुअल बना के हमको रोज रोज थाने में लाया जाए, लेकिन इनका हिम्मत नहीं है। किसी भी सड़क पे ये दो नारे हमारे लगने नहीं देना चाहते हैं, इतना ऑर्गेनाइज रूप से ये क्रिमिनल लोग हैं, ऑर्गेनाइज माफिया लोग हैं, जिनके लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, जिनके लोग हर जगह बैठे हुए हैं, इसलिए इसको ध्वस्त करना बहुत जरूरी है, इसके लिए कमर कसना बहुत जरूरी है। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, शत्रुपा।